मैं मोदी जी नूं पुछणा चाहना ताडे अच्छे दिन कित्थे ने जिहड़ा 15-15 लाख रुपया कित्थे आ जिहड़ा तुसीं सारे नूं वादा कीता सी। अगर तुसीं काले कानून वापस ना ले जां मान जो सुप्रीम कोर्ट दा हुक्म ना मन्ने सस्पेंड ना कीता मैं अपने तेल पा के मार जूंगा, मैं अपने तेल पा लूंगा, पेट्रोल पा के मर जूंगा, क्योंकि पहला भी साढ़े बाबा राम सिंह जी वह भी शहीदी पा गए ने बाबा राम सिंह जी, क्योंकि ताड़े ते कोई जू नहीं सरकी। खबर लिंदे लुधियाने तो खेती कानूनों के खिलाफ अंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में लुधियाना के जगराओ पुल से धरने भुख हड़ताल से बैठे अलग अलग संगठनों के नेतावान ने यह खेती कानून वापस ना लैण ते आत्मदाह करन दी चेतावनी दिती है। नेतावान ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है और जिसका असर देश के दे पूरे लोगों ते शरेआम नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए ने कि समय दीआं सरकारां कदे भी किसानां ते मजदूरां दे हक की गल नहीं करदीआं। इस संबंध में की गलबात हुई है आओ सुनते हैं। अज भुख हड़ताल की है जी किसानों के हक के भुख हड़ताल अच्छ दिल्ली किसान दिल्ली के भी करते पे ने बॉर्डर से इदा ही संघर्ष चलता रहेगा। जिदा कि नरेंद्र मोदी ने काला कानून वापस ना लिता यह संघर्ष बहुत अगे तक जाएगा और बहुत ही ज़्यादा जो नुकसान पंजाब का हो रहा है उस तो वध होर होएगा। इस करके मेरी बेनती है कि यह काला कानून वापस लिता जाए और जो आने वाला नवा साल है 2021 वधिया तरीके नाल किसान भरा और व्यापारी भरा अपना वधिया कारोबार करन, क्योंकि यह साल बड़ी वड्डी महामारी उस तो वड्डी महामारी जो ये काला कानून ने सानू मारता है और यह काला कानून वापस लिता जाए। जे काला कानून सरकार ने वापस ना लिता बहुत इसी साल बहुत तकड़ा विरोध तक जाएगा। अगे का संघर्ष जी इदा ही रहेगा जी, भुख हड़ताला आन किसान बार्डर से बैठे ने सड़क से आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों का होर नुकसान होएगा। जय श्री राम, जय माता दी। असी अज सारे भरा इत्थे इकट्ठे होए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अकेला ही काला कानून है जिहड़ा बनाया होया, बाकी तो चलो जिहड़े हैगे आ उन्हां दे खिलाफ अज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला साडे किसान भरा बैठे सीगे पंजाब, उस तो बाद दिल्ली में बैठे लगातार बैठे हुए हैं, उन्हां नूं कोई ठंड की परवाह नहीं, पर मोदी जी के कान ते जू नहीं सरकदी। मैं मोदी जी नूं पुछणा चाहना ताडे अच्छे दिन कित्थे ने, जिहड़ा 15-15 लाख रुपया कित्थे आ जिहड़ा तुसीं सारे नूं वादा कीता सी, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दी जुत्ती विच पाणी पीणा वा। जे तुसीं 15-15 लाख रुपया सारे वोटरां नूं दे रहे होगे तां, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तुसीं झूठ दे झूठ बोलदे हो, तुसीं अपनी बीजेपी दी मिट्टी प्रीत कराती पंजाब विच पूरे हिंदुस्तान विच। बीजेपी तुहाडी इक वी वोट नहीं लैके जाऊगी पंजाब विच, उह क्यों? बीजेपी जी माड़े मोटे चंगे काम करती सी वह तुसीं बिल्कुल ही पंजाब विचों खत्म करती, जिहड़ियां 3-4-5 सीटां के आउंदियां सी वह हुण बिल्कुल नहीं, तुहानूं हुण तुहानूं मिलू सिर्फ 0 ते 0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मैं दोबारा तो फिर अपील करदा वां, अगर तुसीं काले कानून वापस ना ले जां मान जो सुप्रीम कोर्ट दा हुक्म ना मन्ने सस्पेंड ना कीता मैं अपने तेल पा के मार जूंगा, मैं अपने तेल पा लूंगा, पेट्रोल पा के मर जूंगा, क्योंकि पहला भी साढ़े बाबा राम सिंह जी वह भी शहीदी पा गए ने बाबा राम सिंह जी, क्योंकि ताडे ते कोई जू नहीं सरकी। पंजाबीयत ही बहुत बड़ा वा, जिहड़े पंजाबीयत इतों दिल्ली तक ही बंबे तक ही अपना करते पे ने सारा अनाज पैदा करता किसान, तुसीं अनाज किसान नूं ही खराब करोगे तो सारा संसार ही खराब हो जूगा, देश दी तक अखंडता खराब हो जूगी। भाजी झूठ, मैं कहना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सब तो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बीजेपी का मैं विरोध नहीं करता, प्रधानमंत्री स्पैशल तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करता वा, क्योंकि बीजेपी तो चलती ही नहीं, कल प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप हैगा जो कहते सत बच्चन जी। इस करके हमेशा सारे लोगों मैं करता, मैं व्यापारियों भी कहना चाहना, मजदूरों भी कहना चाहना, किसानों भी कहना चाहना वा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करो जिन्ना दब के कर सकते हो, अकेले प्रधानमंत्री का होर आ कोई कसूर नहीं, उन्होंने किसी चलती नहीं हैगी, वो चलती नहीं हैगी उन्होंने, नहीं गलत नहीं कर रहे पर उन्होंने चलती नहीं। असी साडा इको कमीशन आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना, सब तो बाद प्रोटेस्ट करना, असी अपील करते अज असी अपील किसी भुख हड़ताल बैठे हैं, जे कोई नहीं होगा असं तेल पा के साल लग सारे तेल पावे असं मिट्टी का तेल, चाहे जगेर बख्शी हो भी तेल पाऊगा, हरजीत सगर जी पागे हिंदू ने दिता है, रमन शर्मा जी, लक्की कपूर जी सारे बैठे हैं भरा।
ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਬਾਗ ਸਾੜ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ 30 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 31 ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਲੱਕੀ ਹੈ ਜੀ मैं यूथ कांग्रेस प्रधान रहा मैंबर सेंसर बोर्ड का भी रहा मेरा नाम सुशील गुलक्की है जी मैं यूथ कांग्रेस प्रधान रहा सेंसर बोर्ड मैंबर भी रहा अपनी श्री माता सेना पंजाब संगठन वो भी साडा असी जिहड़ा ये काला कानून है जिहड़ा नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया असी उहदे विरोध च अज 24 घंटे भुख हड़ताल ते बैठे हैं जगराम पुल दे उत्ते क्यों दिन बाय दिन जिहड़ा ये धरना प्रदर्शन तेज हो रहा साडे रमणीत सिंह बिट्टू मानयोग एम पी साहब वो दिल्ली के जंतर मंत्र धरना लगे बैठे आ उन्होंने कई दिनों के बैठे वो किसानों की हर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं साड़ी कांग्रेस पार्टी या होर संगठन हिंदू संगठन सारे ही किसानों के नाल आ जिहड़ा नरेंद्र मोदी जी ने यह जिहड़ा काला कानून डानी अडवाणी के कहने लगाया ये कैंसल ना किया असी जिहड़े जिहड़े मंडल साहब ने गल कही है बिल्कुल सही कही है असी लोग अपने तेल भी पावांगे अपने अग भी लावांगे असी इन्हां दे नाल आ किसानों के जे किसानों की आवाज़ ना चक चक्की इन्होंने बंद किए मुद्दा ठप्प ना किया तो मोदी जी ने यह हिंदुस्तान के जोड़े लोग शहीद हो रहे हैं इन नरेंद्र मोदी जी ने भुगतना बहुत औखा होना जोड़ा आने वाला टाइम है नरेंद्र मोदी जी जो 2022 इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के इन्होंने तुम पता लगना जो बीजेपी वोटा मंगन गए महलिया गलिया लोगों ने जुत्तियां मार के बाहर कढ़ना जो हालात तुम पंजाब के करते पंजाब देखो उदा दे कहते साडे किसान अन्नदाता असी किसानों का कर्जा माफ करा ये केंद्र सरकार ने जोड़ा छल कवर किया टोपी पाई है मोदी जी ने लोगों बेवकूफ़ बनाया ये जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी ये जोड़ा धक्का मोदी साहब ने किया जनता जाग गई है पहले जनता पंजाब किसान पंजाब से हौली हौली हरियाणे से फिर पंजाब जाके दिल्ली जाके बह गए इतों जी हूँ साढ़े सारे संगठन जोड़े जगराम पुल बैठे है जे ना कोई हल निकलिया ये संघर्ष पक्का तो पूरा लंबा होना इतने अभी अपने सिर पर कफन बन के बैठे हाँ अभी अपने सिर पर कफन बनया सानू अपनी मौत की कोई परवाह नहीं जे साडी जान जा के एक किसानों के कोई कानून कैंसल होंगे असी बड़े खुशकिस्मत आ जे किसान किसानों के हक च असी अपनी जे जान भी देनी भी तो देंगे वढ़ के देख लैन ये तो आप कहू थोड़ा ये वढ़ के देख लैन जो वढ़ गया आप नतीजा अगे आज आप अपने मूँह कुछ कहना यह तो जनता जग जाहिर है जे किसान ने जो ये बीजेपी लेकर जाते हैं किसान डट के विरोध करते हैं इन्हें गड्डिया गड्डिया भरते हैं इन्हों के लाठीचार्ज भी होता पथराव भी होता आपे लग जू पता बीजेपी ये कितने खड़े है हाँ कुछ यह देखो खालिस्तानी लोग ने जेडे माहौल खराब कर रहे हैं देखो किसान एक अन्नदाता अन्नदाता तो ठीक है जेडे लोग शरारती तत्व अपने जेडे पुठे बैनर लाए है या कहते खालिस्तानियों के झंडे चक्की फिरते बिल्कुल निंदा योग है ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए किसान भरावों को साड़ी बेनती है अपील है कि जेड़ा ये जेडे खालिस्तानी बेचे इन्हें बाहर करना चाहिए मौजूदा हालातों पर नज़र मारीे तो इंसान तरह तरह बीमारियों जूझ रहा है इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाने तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तो दुखों नू मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानू दुखों तो नजात दवाउण लई हाज़र है फीर लीफ पावर जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नू दूर किया जा सकता है जिमें मरदाना कमजोरी अंतरियां दी सोजिश पेशाब विच जलन दिल की कमजोरी खून की कमी अते दिमाग नू तेज़ करता है अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दीआं आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है वो नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने वो हुण फी रिलीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नू हासिल कर सकते ने ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94784 84087।